विरियाखेड़ी से लापता हुई 6 वर्षीय बालिका को पुलिस ने मात्र 24 घंटे के भीतर तलाश कर लिया। उसे उसका पिता ही अपहरण कर उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील के ग्राम बांगरेट में ले गया था और वहां एक खेत में छिपा कर रखा था। पुलिस ने बालिका को बरामद कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। 6 वर्षीय आशा पलासिया पुत्री राहुल पलासिया निवासी विरियाखेड़ी 10 दिसंबर 2022 की दोपहर करीब 2 बजे घर के बाहर खेल रही थी। इसके बाद वह लापता हो गई थी। सौजन ने उसकी तलाश की लेकिन उसका पता नहीं चला। इसके बाद 11 दिसंबर की दोपहर सौजन ने औद्योगिक क्षेत्र पुलिस को सूचना दी गई। सौजन ने आशंका जताई थी कि उसे कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपहरण का प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू की। विरियाखेड़ी व आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो उसी दिन दोपहर करीब 3 बजे वह विरियाखेड़ी से करीब 1.5 किलोमीटर दूर स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड के मैदान में दौड़ती हुई दिखाई दी। पुलिस ने फोटेज लेकर आगे की जांच की तो एक व्यक्ति ने बताया कि उसे उसका पिता राहुल ले आया है। पुलिस ने राहुल की तलाश शुरू की। पुलिस के अनुसार राहुल ने अपनी पहली पत्नी को 2 वर्ष पहले ही छोड़ दिया व दूसरी शादी कर ली है। राहुल ने घटना के बाद शाम 4:40 पर अपना मोबाइल फोन न बंद कर दिया था। पुलिस को उसके मोबाइल फोन की टावर लोकेशन नहीं मिल रही थी। वह घर पर भी नहीं मिला। उसके माता पिता भी घर पर नहीं थे। इसी बीच जांच में पता चला कि उसने एक व्यक्ति से फोन पर घटना के पहले बात की थी। उसे व्यक्ति से जानकारी निकाली तो पता चला कि राहुल बड़नगर के पास ग्राम बांगरेट में एक खेत पर हाली है। सोमवार दोपहर पुलिस दल टीआई राजेंद्र वर्मा के मार्गदर्शन में खेत पर पहुंचा व राहुल को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने बताया कि हाँ, वह बेटी आशा को लेकर आया था। पास के खेत में उसे छिपा रखा है। पुलिस ने वहां पहुंचकर आशा को बरामद किया। शाम करीब 5 बजे दोनों को थाने लाया गया। आशा को उसकी माँ को सौंप दिया गया है। टीआई वर्मा ने बताया कि राहुल से पूछताछ की जा रही है कि वह बेटी को बगैर किसी को बताए अपने साथ क्यों ले गया था।